अब वह समय आ गया है जब हम MySQL का ये वाला डेटा अपने HTML पेज पे दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पे दिखाएंगे हम वो सारा डेटा। कैसे दिखाएंगे तो चलिए आइए देखते हैं, लेकिन देख लेते हैं। चलिए जी, मैं ये जो एजेक्स वगैरह का कोड यहाँ पे लिख रहा हूँ ना इंटरनल CSS में, आप चाहें तो एक्सटर्नल CSS कह रहा हूँ, सॉरी इंटरनल जावास्क्रिप्ट से, आप चाहें तो एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट का पेज बना के वहाँ पे काम कर सकते हैं, पर मैं नहीं किया हूँ, आप ऐसा कर सकते हैं। मॉडल को करूँगा मैं फोल्ड, और चालू तो है ना रिकॉर्डिंग, और फिर इस टेबल को करूँगा एक्सपेंड। और हम क्या करेंगे, ये वाला टैग क्या कहलाएगा, TAGAD, सेमेंटिक एलिमेंट में टी हेड कहलाएगा, ये टेबल का हेडर पार्ट है। और ये क्या कहलाएगा, टी बॉडी, टेबल बॉडी पार्ट है। ठीक है जी, ये कौन सा पार्ट है, टेबल बॉडी पार्ट है। ठीक है, उम्मीद है आप भूलेंगे नहीं। तो टेबल का बॉडी पार्ट है। अब सर्वलेट से डेटा लाकर यहाँ पे दिखाने के लिए दो तरीके हैं। ठीक है, तरीके हाँ दो ही मान लीजिए आप। एक तरीका तो ये है, मेरे सामने ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, कि ये जो रो का जो HTML है, ठीक है, जैसे ये TR टैग है पूरा, ठीक है, ये वाला जो TR टैग है, ये पूरा TR टैग को मैं सर्वलेट के माध्यम से दिखाऊं। दूसरा तरीका क्या है कि सर्वलेट से मैं सिर्फ और सिर्फ कितना, इतना सिर्फ मैं डेटा लाऊं, ठीक है, सिर्फ इतना ही डेटा, राइट, और बाकी जो ये TR TD और बाकी बटन वटन ये सब है, इन सबको मैं क्या करूं, जावा स्क्रिप्ट से क्रिएट कर लूं क्लाइंट साइड पे ही। तो इससे क्या होगा, अगर पूरा HTML में लाता हूं सर्वर से तो क्या होगा, सर्वर हो सकता है कि इतना डेटा को सेंड करने में कम टाइम लगे, ठीक है, और इसके साथ TDTR भी है, ज्यादा टाइम लगे, इंटरनेट ज्यादा कंजप्शन हो, ठीक है, ये मेरा थिंकिंग है। तो हो सकता है ऐसा कि पूरा HTML कंटेंट भेजने में ज्यादा इंटरनेट खर्च हो, ज्यादा समय लगे, ज्यादा बाइट डेटा क्योंकि सर्वर से आ रहा है, और सिर्फ हम डेटा लाएंगे सर्वर से जेसन के फॉर्म में तो क्या होगा, सिर्फ डेटा आएगा तो उसमें कम डेटा खर्च होगा क्योंकि कम बाइट डेटा आएगा और समय कम लगेगा, ठीक है, तो जितना ज्यादा डेटा रहेगा उतना ज्यादा समय लगेगा, राइट। तो मैं दोनों तरीका आपको आपके सामने रखता हूँ, जो पसंद आए आप वो तरीका काम करेंगे, उस तरीके का इस्तेमाल आप कर लेंगे, राइट। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, HTML वाला टेक्निक इस्तेमाल करूँगा, ठीक है, कि सर्वर से सीधा HTML ही हम ले लाए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक क्लास लगाऊंगा सो हाइफन डेटा, ठीक है, सो डेटा के नाम से क्लास लगा यहाँ पे कर दिया, ठीक, और क्योंकि टी बॉडी के अंदर ही तो हमें इसे रखना है, ठीक। चलिए जी, तो अब क्या करूँगा, मैं आऊँगा इस पे इंडेक्स डॉट HTML पे, और मैं क्या करूँगा, इस एजेक्स फंक्शन को जनरलाइज बना दूं क्या, मैं जनरलाइज नहीं बनाता हूँ एजेक्स फंक्शन को, ठीक है, जनरलाइज कर दूंगा, ठीक है। तो जिनका मैंने शुरू में बोला था बेसिक, जिनका थोड़ा कमजोर है जावा स्क्रिप्ट या जेक्वेरी थोड़ा सा, ठीक है, बहुत अच्छे से नहीं आता जावा स्क्रिप्ट जेक्वेरी वगैरह, तो हो सकता है कन्फ्यूजन हो, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ कि मैं बार बार एजेक्स कॉल करता हूँ, और आप बार बार टाइप करेंगे तो आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट READY, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी करूंगा, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी का मतलब ये हुआ कि जब HTML पेज
ये वाला पूरा HTML पेज ठीक है पूरी तरह से लोड हो जाए क्लाइंट मशीन पे, ठीक है, तब जा करके हमारा डेटा यहाँ पे AJAX रिक्वेस्ट और डेटा ISO, ठीक है। तो क्या करना चाहिए उसके लिए, सिंपल सी बात है, AJAX कॉल करेंगे अब, ठीक है। तो डॉलर डॉट AJAX एपीआई मैंने सेमी कॉलन दिया, यहाँ पे जेसन दूंगा, ठीक। अब AJAX के थ्रू डेटा गेट कैसे किया जाता है सर्वर से, वो आप यहाँ से देख के सीख लेंगे, ठीक। इंसर्ट करना AJAX के थ्रू जान गए ऐसे होता है, इसलिए मैं जनरलाइज वगैरह नहीं बनाया, ठीक है, सेपरेट सेपरेट AJAX रहेगा, आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो जो काम मैंने ऊपर किया है यहाँ पे, ठीक है, यही सारा काम तो मैं नीचे भी करूँगा, ठीक। तो सबसे पहले क्या करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे मेथड में मैं लिखा था पोस्ट, URL में मैं लिखा था स्टूडेंट, ठीक है, तो वही काम इधर भी मैं करूँगा, ठीक है। तो मेथड में क्या करूँगा, डेटा सर्वर से गेट करना है, तो ऐसे में गेट रिक्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। फिर URL में मैं क्या करूँगा, स्टूडेंट कर दूंगा, ठीक है, स्टूडेंट URL होगा। अब स्टूडेंट URL होगा तो क्या होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। इसी को कॉपी करा, यहाँ पे आया और कर दिया स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए गेट रिक्वेस्ट करा तो गेट मेथड कॉल हुआ, ठीक है, इसका इस सर्वलेट वाला का, ठीक है। और जब गेट रिक्वेस्ट कॉल हुआ सर्वलेट का तो कौन सा चला होगा, एक डू पोस्ट मेथड को मैं फोटो फाटो खींचोगे तो खींच लेना, यही है इतना डू पोस्ट, ठीक है। इसको मैं फोल्ड कर देता हूँ, ये देखिए डू गेट में यही रिस्पॉन्स था, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये कर दूंगा तो ये शो होने लगेगा, ठीक है। यहाँ पे आया, रीलोड करता हूँ मैं, ठीक है, सर्वलेट को इंटरनली रीलोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं बार बार रीलोड करता हूँ, ये तो बहुत ही ज़्यादा टाइम ले रहा है, क्यों भाई इतने काई के लिए, ये देखिए अब रीलोड हो रहा है, ठीक है। अब मैंने रिफ्रेश किया तो ठीक है, थोड़ा टाइम ले रहा है रीलोड कर रहे, अब जो है आ जाएगा यहाँ पे, ये देखिए प्रिंट हो गया। तो अब क्या करेंगे हम, कंसोल को मैं क्लियर कर देता हूँ पूरा, ठीक है। AJAX रिक्वेस्ट करेंगे हम, ठीक, तो यहाँ पे आया, ठीक है, गेट लगा दिया, हमको डेटा लेके आना है सर्वर से, तो क्या करेंगे, बिफोर सेंड यही था ना स्पेलिंग, पहला बार हम बिफोर सेंड, ठीक है, बिफोर सेंड इवेंट कॉल कर लेंगे, सर्वर से क्लाइंट तक डेटा आएगा तो थोड़ा तो समय लगेगा ना, ये तो लोकल मशीन है इसलिए पता नहीं चलता, लेकिन सर्वर पे जब आप होस्ट करेंगे तो लेट होगा। तो यहाँ पे वही मैं करूँगा लोडिंग, यहाँ पे प्रोग्रेस बार भी दे सकते हैं पर मैं नहीं दे रहा हूँ अभी, ठीक है। और जैसे ही डेटा ये सक्सेस हो जाता है, सर्वर से डेटा आ जाता है क्लाइंट पे, सक्सेस हो जाता है, यस यू सी सी सक्सेस इवेंट कॉल होगा, और ये CTION फंक्शन कॉल करेंगे यहाँ पे हम, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिस्पॉन्स में सारा डेटा आ जाएगा, console.log, यहाँ पे कर दिया मैं रिस्पॉन्स को एंटर। यहाँ पे एरर इवेंट अभी मैं नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है, एरर इवेंट कब लगेगा मैं आपको बताऊंगा, जो है एरर इवेंट मैं तब लगाऊंगा जब मैं जेसन के फॉर्म से लाऊंगा, HTML क्लाइंट से नहीं लाऊंगा, ठीक। तो चलिए ये देखिए ये रिक्वेस्ट आ रहा है, अब ये नाम, मेरा नाम जो है यहाँ पे कंसोल पे प्रिंट हो जाएगा, तो समझ लेंगे ये से डेटा आ गया, ठीक। ये देखिए मेरा नाम प्रिंट हो गया, पहले लोडिंग आया, फिर डेटा लोड हो रहा है सर्वर से, और फिर नाम आ गया, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, चलते हैं क्लाइंट साइड का कोड हमारा,
कंप्लीट क्या हुआ है, लेकिन चलिए मान लेते हैं कि कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलते हैं अब हम सर्वर साइड पे। ठीक है, मैं डिजाइनिंग यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, सेंड बिफोर वाले में, बल्कि मैं ऐसे ही डॉट टेम्परेरी रूप से लिख दे रहा हूँ HTML। ठीक है, ऐसे ही मैं टेम्परेरी लिख रहा हूँ अभी। ठीक है, तब क्या होगा आप देखिएगा, जब डेटा आने लगेगा सर्वर से तो इधर लोडिंग आएगा। ठीक है, ये देखिए लोडिंग आया था। ठीक, लेकिन पुराना डेटा गायब क्यों हो गया, क्योंकि हमने तो स्टैटिक टेबल बना के लिखा था, तो इसलिए लोडिंग लिखा गया। जैसे ही सक्सेस में आएगा तो नाम प्रिंट हो जाना चाहिए यहीं पे। कर देता हूँ भाई, काहे के लिए इतना प्रेशर लेना। ठीक है, ये देख लीजिए आप, सीधा रिस्पांस में HTML दिखा देंगे। ठीक, तो अब आप देखिएगा क्या आएगा, पहले लोडिंग आएगा, लोडिंग आया फिर नाम प्रिंट हो गया। समझ में आ गया आपको मैंने क्या करा। चलिए जी, अब क्या करना है हमको, सर्वर साइड पे काम करना है। जैसे ही डू गेट कॉल होता है, ये वाला चल जाता है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या कॉल कर लेंगे, डाव को सीधा कॉल कर लेता हूँ मैं। कॉल सर्विस से कॉल किया जाता है डाव को, लेकिन हम सर्विस नहीं बनाया हूँ मैं, तो सीधा कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, तो न्यू स्टूडेंट के साथ लिख देता हूँ .crud.dao.student.dao=dao। ठीक है, और यहाँ पे ये कर दिया। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूँगा, da.getData नाम से मेथड बनाता हूँ। ये क्या रिटर्न करेगा हमको, एरे लिस्ट। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूँगा, गायब करूँगा अभी, लिस्ट करेंगे। लिस्ट यहाँ पे स्टूडेंट बीन, ठीक है, स्टूडेंट बीन किया, यहाँ पे फिर स्टूडेंट्स लिख देंगे, यहाँ पे मल्टीपल स्टूडेंट्स आएंगे, फिर यहाँ पे क्या होगा, डाउ डॉट गेट डेटा, ऐसे मैं कॉल करूँगा। तो रिजल्ट क्या होगा, हमको ये फंक्शन मैनुअली नहीं बनाना पड़ेगा, रिटर्न टाइप मैनुअली नहीं सेट करना पड़ेगा, सब अपने आप हो जाएगा। तो क्रिएट मेथड पे गया मैं, कर लिया। ठीक, अब मैं यहाँ आता हूँ, अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, CONN इकरा करने से अच्छा है डेटा बेस डॉट गेट कनेक्शन कॉल करूंगा, फिर इसी में सीधा कर दूंगा मैं क्रिएट स्टेटमेंट। ठीक है, मैं प्रिपेयर स्टेटमेंट ही लगा लूंगा, प्रिपेयर स्टेटमेंट अगर मैं शुरू किया हूं तो इतना से क्या आएगा, कनेक्शन। ठीक है, और कनेक्शन पे ही जब प्रिपेयर स्टेटमेंट का कॉल कर देते हैं तो प्रिपेयर स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट हमें मिल जाता है। ठीक, मैं शॉर्ट टेक्निक इस्तेमाल किया हूँ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आप देखिए कनेक्शन कॉल किया था तो कनेक्शन आया, इसी कनेक्शन पे तो डॉट लगा के मैं प्रिपेयर स्टेटमेंट किया था और फिर यहाँ पे प्रिपेयर स्टेटमेंट होल्ड कर लिया था। ठीक है, तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी कनेक्शन ये रिटर्न करेगा, तो यहाँ पे CONN आ जाएगा। अब इसी CONN पे कॉल कर दिया मैं प्रिपेयर स्टेटमेंट को, ये वाला। चलिए ठीक, तो शॉर्टकट टेक्निक नहीं इस्तेमाल कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे क्या करेंगे, सेलेक्ट ID, यहाँ पे स्टार करके फ्रॉम स्टूडेंट कर सकते हैं, पर करने का नहीं, करना नहीं चाहिए, तो मैनुअली लिखेंगे ID, नेम
ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट्स टेबल से हमारा ला के दे दो, ठीक है, हाँ से स्टूडेंट टेबल से ला के दे दो, ठीक है। प्रिपेयर स्टेटमेंट PST रिटर्न कर लिए हम ये। अब ये बोल रहे हैं ट्राई कैश राउंड, हम कर देंगे ट्राई कैश में होल्ड, ठीक है। एसक्यूएल एक्सेप्शन, आता हूँ मैं नीचे, ठीक है, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, आपको देखने में आसानी होगा। ये देखिए हो गया। अब क्या करेंगे, PST डॉट गेट इंट, गेट इंट अभी थोड़े ना होगा, अभी तो हमको प्रिपेयर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना डॉट। अब हमें डेटाबेस से डेटा गेट करके लाना है, ठीक, तो ऐसी परिस्थिति में हमको क्या इस्तेमाल करना चाहिए, एग्जी क्वेरी, एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट क्वेरी इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक। तो एग्जीक्यूट क्वेरी जो है रिजल्ट सेट रिटर्न करेगा और प्रिपेयर स्टेटमेंट वाला, ठीक, तो हमको पहला वाला चाहिए, क्लिक कर दिए पहला वाला, एंटर, ठीक। अब ये रिटर्न करेगा रिजल्ट सेट, तो रिजल्ट सेट ऐसे ले लाएंगे RS इक्वल टू ये, ठीक। अब यहाँ पे मैं वाइल लगाता हूँ, ठीक, डेटाबेस से जितना डेटा होगा सारा इस रिजल्ट सेट में उठ के आ गया, तो हमको एक एक लूप चलाना पड़ेगा, ठीक है, और फिर लूप चला करके RS डॉट नेक्स्ट करूँगा तो एक एक, ठीक है, नेक्स्ट करूँगा तो क्या होगा, अगर रिजल्ट सेट में डेटा होगा तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, और ट्रू रिटर्न करेगा तो ए अगले रिकॉर्ड पे जाएगा, ठीक, तो अगले रिकॉर्ड पे चला जाएगा, ठीक है, और हम डेटा गेट कर लेंगे, ठीक। तो कैसे, तो यहाँ पे एक स्टूडेंट बीन का बनाएंगे हम ऑब्जेक्ट, बीन इक्वल टू ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में ही हमें सारा डेटा देना पड़ेगा, ठीक है। मैं बीन कहाँ है, स्टूडेंट के बीन में मैं थोड़ा सा बदलाव करूँगा, ठीक है, मैं कंस्ट्रक्टर में नहीं देना चाह रहा हूँ सारा डेटा, ठीक है, मैं सिर्फ आईडी दूंगा कंस्ट्रक्टर में। आईडी को हमने फाइनल बना रखा था, इसीलिए जो है हमको ये सब करना पड़ रहा है, अगर फाइनल नहीं बनाया होता हमने तो ये एक कंस्ट्रक्टर और बना के स्पेशली हमको नहीं ऐसा कॉल करना पड़ता, लेकिन मैंने यहाँ पे फाइनल बना दिया है, सॉरी कंस्ट्रक्टर फाइनल बनाया है, ऐसा बोल दिया क्या मैं, यहाँ पे आईडी फाइनल बनाया है इसलिए कंस्ट्रक्टर पे ही हमें आईडी को डालना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करूँगा, मैं आऊँगा डाओ में, ठीक है, INT आईडी इक्वल टू RS डॉट गेट इंट, यहाँ पे आईडी, ठीक। अब ये वाला क्या होगा, यहाँ पे आईडी चला जाएगा, ठीक। अब ऐसे मैं ना करके शॉर्ट टेक्निक अपनाता तो ऐसा भी इस्तेमाल कर सकता था, इसको यहाँ डाल दूँ, इसको डिलीट कर दूँ, तो मैं यही करूँगा। अब हम क्या करेंगे, bean dot का है, मैं कर रहा हूँ bean dot set name, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसी को ले लूँगा, मैं बीन में बारी बारी से डेटा सेट कर रहा हूँ, ठीक है, इसीलिए मैंने बाकी पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर नहीं लिया, नहीं तो यहाँ पे भी हम ऐसे कर सकते थे, ऐसे पेस्ट कर देता और यहाँ पे नेम लिख देता, ठीक, तो ऐसा नेम लिख देता, और बाकी फील्ड भी नेम के बाद मोबाइल और ईमेल भी कॉमा कॉमा करके हम ले सकते थे, क्यों, क्योंकि मेरे बीन क्लास में कंस्ट्रक्टर है जो कि रिसीव कर रहा है, लेकिन मैं बारी बारी से गेटर मेथड के द्वारा सेट करना अभी पसंद कर रहा हूँ, ठीक, इसलिए मैं कंस्ट्रक्टर में इस्तेमाल नहीं करूँगा ऐसे, ठीक। सेट नेम हो गया, ये इंट रिटर्न कर रहा है, तो ये स्ट्रिंग दे दूंगा मैं इसको, ठीक है, ईमेल
कैंसिल कर दिया। अब क्या करेंगे, एक ठो इधर बना लेंगे लिस्ट, स्टूडेंट बीन टाइप, ठीक है, स्टूडेंट्स इक्वल टू तेरे लिस्ट, ठीक। और फिर मैं क्या करूंगा, डॉट एड बीन, तो जितने बार लूप चलेगा उतने जो है स्टूडेंट बीन उतने बार नया नया क्रिएट करेगा और डेटा सेट करेगा यहाँ पे, बाकी डेटा यहाँ पे सिर्फ आईडी सेट किया और इस स्टूडेंट में ऐड करता जाएगा। फाइनली क्या होगा, फाइनली जो है हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे क्या, स्टूडेंट्स, ठीक, ऐसे स्टूडेंट्स को हम फाइनली रिटर्न कर देंगे, ठीक है। हम रिटर्न नीचे भी कर ही सकते हैं लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ, कर ही दो नीचे ही मैं रिटर्न कर देता हूँ सीधा, ठीक है। लेकिन जब डेटा आ ही गया तो क्यों नीचे इस लाइन पे जाना है, सीधा रिटर्न कर दो, ठीक है। कुछ एक्सेप्शन आया तो यहाँ पे एक्सेप्शन को प्रिंट कर देगा ये, ठीक है। अभी मैं प्रिंट करा रहा हूँ एक्सेप्शन, ठीक है। चलिए जी देखते हैं अब क्या होता है। आता हूँ मैं इधर, ये आ गया, तो यहाँ पे मैं इफ का कंडीशन लगाता हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट डॉट एस आई साइज, ठीक, साइज अभी गेट करूँ कि ना करूँ गेट, ठीक है। साइज अगर कितना हो, साइज मेथड क्या रिटर्न करेगा, इसमें कितने स्टूडेंट एडेड हैं, ठीक, इक्वल इक्वल जीरो अगर कर दो, ठीक है, तो क्या होगा, जीरो प्रिंट कर देंगे। एल्स में क्या कर देंगे, इतना करने से अच्छा ये होगा कि इनको कमेंट करूंगे और सिस्टम एसओपी के अंदर स्टूडेंट डॉट साइज को ही प्रिंट कर दूं ताकि आपको और क्लियर समझ में आए, ठीक है। तो मैं आऊंगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आया, एंटर किया, आउटपुट गलत आ रहा है मेरा, सर्वर को स्टार्ट करता हूँ, कंसोल देखते हैं, आ गया, यहाँ पे मैं एंटर हिट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कुछ आया नहीं, आया कुछ भी नहीं आया यहाँ पे, कोई बात नहीं, मैं एक बार ना प्रोजेक्ट को क्लीन करता हूँ। आप में समस्या है तो आप भी ऐसे क्लीन कर लिया करना प्रोजेक्ट, कहाँ गया हमारा करड वाला, ये वाला है, ठीक, क्लीन किया मैं पूरा प्रोजेक्ट। और अब यहाँ पे आके करूँगा एंटर, थोड़ा देर रुकिए, रीलोड करेगा ये, फिर रिस्टार्ट कर दूंगा मैं सर्वर,
जल्दी लोड कर दे भाई, लोड हो गया, क्लियर कर देते हैं कंसोल, देखते हैं क्या बोलता है। जल्दी लोड करना, इतना टाइम कहाँ है। गायब हो गया वो, यहाँ पे आ गया 6। लेकिन मान लीजिए मैं क्या कर देता हूँ, एक वेयर क्लॉज लगा देता हूँ और आईडी इक्वल टू 1000 कर देता हूँ, तो ये 1000 तो रिकॉर्ड है ही नहीं है, तो डेटा आएगा भी नहीं, और डेटा नहीं आएगा ऐसे कंडीशन में क्या प्रिंट होगा वो देखिएगा आप। अभी भी 6 ही हुआ है क्योंकि मेरा रिलोड नहीं हुआ है सर्वर, मैं रिलोड कर देता हूँ सर्वर को, रिस्टार्ट कर देता हूँ मैं टॉमकैट सर्वर। अगर आप सारे कोड सही लिखे हैं फिर भी आउटपुट रॉन्ग आ रहा है, तो आप क्लीन करके फिर से रिस्टार्ट करके सर्वर काम अपना करेंगे, राइट। यहाँ पे आया, कर दिया एंटर, जल्दी से घूम जा भाई, घूमने में ही टाइम लगा रहा है। ठीक है, अब कितना रिकॉर्ड बोल रहा है, 6, अभी भी 6 आ गया। ऐसा कैसे हो सकता है कि अभी भी 6 से रिकॉर्ड आएगा, ये पुराना वाला ही बता रहा है ये रिकॉर्ड, ये नया अपडेटेड नहीं बता रहा है। ठीक है, मैं प्रोजेक्ट को क्लीन करता हूँ दोबारा, कितना हो गया 28, थोड़ा देर और रुक जाओ भाई, तब तक खत्म हो जाएंगे। जीरो रिकॉर्ड आ गया, ठीक, तो उसमें पुराना रिकॉर्ड आ रहा था, तो आप भी ऐसे ही कर लेंगे, मैं जानबूझ करके इसीलिए पॉज नहीं कर रहा हूं। अब जीरो अभी आया, ठीक है, लेकिन मैंने क्या करा है यहां पे कि कुछ एक्सेप्शन आएगा, ठीक, तो ये वाला नल भी तो प्रिंट हो सकता है कभी, तो मैं नहीं चाहता भाई नल प्रिंट हो, और नल पे मैं साइड मेथड चलाऊं तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आए, तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, किसी भी सूरत में साइड मेथड तो चलेगा ही। ठीक, मैं यहाँ पे चेक कर सकता था कि इफ इक्वल इक्वल नल तो कुछ करे, लेकिन मैं नल नहीं चेक करना चाहता। ठीक है, मैं सर्वर बंद करके रखता हूँ अभी, मैं उसी समय चालू करूँगा जब मेरे को काम होगा। ठीक है, तो इसको किया ऐसे, अगर जीरो हो तो क्या कर दो, ऊपर रेस्पॉन्स, रिस्पॉन्स डॉट टू गेट राइटर, इससे हमको प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट मिलेगा, और यहाँ पे आउट कर दूंगा ऐसे। ठीक है, यहाँ करके क्या करूँगा, आउट डॉट पी आर आई एन टी एल एन, प्रिंट एल एन में क्या कर दूंगा, मैं पास कर दूंगा रीड रिकॉर्ड नॉट लेकिन जीरो अगर नहीं होगा, ठीक है, तो क्या होगा, आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे भारी भरकम कोड अब। ठीक है,
तो HTML का टेक्निक तो मुझे पसंद नहीं है, पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि HTML से कैसे काम होगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, आऊँगा ऊपर, ठीक है, और ये जो TR वाला जो भी कोड है पूरा पूरा कॉपी कर लूँगा मैं, इसी को कॉपी नहीं कट कर लूँगा, रहने नहीं दूँगा यहाँ पे, और आऊँगा यहाँ, एरर कहाँ पे दे रहा है, सेव, हाँ कुछ नहीं है एरर, फिर वो मजाक था, strings string html equal to paste, ठीक है, डुअल कोट किया इधर, डुअल कोट भाई साहब हम ऐसे पेस्ट नहीं करेंगे, डुअल कोट के अंदर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो अब क्या हुआ, बहुत जगह स्लैश एन और पता नहीं क्या क्या ये ले लाया, ठीक है। मैं क्या करूँगा, एच कंट्रोल एफ दबाया, ठीक है, नहीं नहीं कंट्रोल एच दबाऊंगा, ये है, ठीक है। अब इसको क्या करो, रिप्लेस करो, मैंने कंट्रोल एच दबाया था ना, हैंग कर गया मेरा सिस्टम, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, रिप्लेस का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा भाई, किधर से आता है, कोई बताएगा क्या मुझे, ठीक है नहीं बताओगे तो मत बताओ यार, कोई बात नहीं, हम अभी टाइम नहीं बर्बाद करेंगे खोजने में, और सिंपल सी बात है इसको कर देंगे, सबसे अच्छा कंट्रोल जेड पेस्ट कर दूंगा मैं ऐसे, प्लस का साइन, सभी को कॉन्केटिनेट करूंगा मैं, ठीक है, ऐसे ऐसे, सभी को कर दो सिंगल कोट, सिंगल कोट, ये सब सिंगल कोट में रिप्लेस होंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंगल कोट सब को रिप्लेस कर दो सिंगल कोट से, सब सिंगल कोट में कर देंगे रिप्लेस, आप भी ऐसे ही कर देना, आप देख सको इसलिए मैं रिकॉर्डिंग को रोक नहीं रहा हूं, ठीक है।
तरह से ये पूरा हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे मैं पास कर दिया एम्प्टी स्ट्रिंग। इसके बाद हम क्या करेंगे, लूप चलाएंगे स्टूडेंट के लिए ऐसे। ठीक है, और ये सारा जो है ये चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब HTML प्लस इक्वल टू कर दिया। ठीक, ये कॉन्केटिनेट हो जाएगा टोटल। अब इसको कॉपी करिए आप यहाँ से, यहाँ पे पहले डबल कोट दीजिए, फिर प्लस का साइन दीजिए, फिर कॉन्केटिनेट करिए ऐसे, और गेट नेम करिए। ठीक, ऐसे, और फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर आने वाला है, कट करिए डबल कोट, फिर प्लस का साइन, स्टूडेंट डॉट गेट मोबाइल। यहाँ पे ईमेल करना है ऐसे, फिर स्टूडेंट पिन डॉट गेट ईमेल कर दीजिए। ठीक, फिर उसके बाद ये बटन टैग है। ठीक, अब यहाँ पे क्या करना है, तो ये बटन डिलीट का है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि डिलीट बटन में हम आईडी सेट करेंगे। आईडी मैं सीधा लिख देता हूँ, ठीक है, आईडी, और फिर यहाँ पे क्या करूँगा मैं, डबल कोट ऐसे कर दिया, सिंगल कोट दे दिया इधर, और यहाँ पे सिंगल कोट दिया। फिर यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डॉट गेट आईडी, ताकि मैं इसी आईडी के बेसिस पे, ठीक, अब यहाँ से यहाँ तक पूरा मैं कॉपी करूँगा ऐसे, बटन को ओपनिंग ऐसे। ठीक, अब इसको हटा दूंगा, इसको भी हटा दूंगा, ये आ गया। अब मैं इसको, ये देख लीजिए आप, पूरा एक बार देख लो HTML को मैंने कैसे कोड करा है, ये लो। ठीक, ऐसा है टोटल। ठीक, बस हो गया। अब आऊंगा मैं लूप के बाहर, और लूप के बाहर आकर के यही मेथड को मैं कर दूंगा कॉल। HTML, चलिए, डिस्प्ले का कोड हमारा सक्सेस हो गया, बधाई हो आपको। मैं सर्वर को स्टार्ट करूंगा, स्टार्ट हो जाए भाई सर्वर, सेव कर दो सब कुछ। रीलोड, क्लियर। अब देखिए यहां पे मैं एंटर हिट करूंगा तो क्या हो गया, रिकॉर्ड नॉट फाउंड, काहे आवत है भाई ये? ये मैं समझ गया क्यों आ रहा है, क्योंकि मन ने क्या करा है ना, इधर वेयर क्लोज लगा दिया था, तो इसको हटाइए ना, क्या करेगा ये रख के, अब इसका कौना जरूरत है, इसका अब कोई जरूरत नहीं है। तो क्या करिए, अब ये रिलोड होने दीजिए, सेव किए हैं, पता नहीं कुछ कुछ बोल रहा है, हटाइए, हम डरते नहीं हैं इन सब एक्सेप्शन से। ठीक है, आइए रिलोड करते हैं। रिलोड करने के बाद हम क्या करेंगे, ये देखिए पूरा जो है आ गया हमारा HTML टैग, मज़ा नहीं आया लेकिन। ठीक है, ये पूरा आ गया HTML टैग TRTD। अब यही TRTD हम क्या करेंगे, जावा स्क्रिप्ट के थ्रू सेट कर देंगे यहाँ पे, ये देखिए सारा आ गया हमारा। ठीक, आ गया पूरा डेटा, 666 इतना बार काय के लिए चाहिए भाई। आते हैं हम जावा में, यही हम प्रिंट किए हैं तो यही आ रहा है। ठीक है, इसको करूंगा मैं ऐसे,
इंडेक्स में जाऊंगा, इंडेक्स पेज, यहाँ शो डेटा में मैंने डेटा को शो कराया था, ठीक है। तो ये डेटा देखिए, सो एजेक्स जैसे ही कॉल होता है ये वाला, तो शो डेटा में HTML में राइट कर देता है पूरा रेस्पॉन्स। इसी रेस्पॉन्स में जो है पूरा HTML आ रहा है। अगर मैं कंसोल करूँ, तो आप देखिएगा क्या होगा। लोडिंग आ गया, पूरा डेटा है देखिए कंसोल में आ गया ऐसे, ठीक है। और यही डेटा यहाँ पे भी लोड हो गया, ठीक है। तो चलिए बाकी का अगले पार्ट में देखेंगे, ऐसे भी बहुत ज़्यादा मैंने बना दिया 42 मिनट।